गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी। सो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम पढ़ते हैं, हमने क्लास 11th में हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, तो लिपिड एंड प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, ये हमें पहले पता था। उसके बाद कुछ बाद में ये रिवील भी हुआ कि इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर कंटेंट भी मिलता है। क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, वो हमारी लिपिड की बाई लेयर होती है। तो लिपिड बाई लेयर का मतलब क्या है? लिपिड तो लिपिड ही होता है, और बाई लेयर मतलब टू लेयर मिलती हैं लिपिड्स की यहाँ पर। ठीक, अगर हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का राइट सीक्वेंस देखें कि भाई पहले ये बताओ प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, या फिर उसके बाद फिर प्रोटीन होता है या लिपिड होता है, तो राइट सीक्वेंस जो होता है वो होता है हमारा प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन होता है, फिर उसके बीच में लिपिड होता है, फिर लिपिड होता है, और उसके बाद प्रोटीन होते हैं। क्लियर? तो राइट सीक्वेंस आपको पता चला, सबसे पहले प्रोटीन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके बाद लिपिड होगा, उसके बाद फिर लिपिड की लेयर होगी, और उसके बाद प्रोटीन होगा। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, प्रोटीन और लिपिड्स ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड आपका वाटर कंटेंट, वो भी उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक, वैसे तो बहुत सारे मॉडल दिए थे, ट्राइलेमिनर मॉडल भी दिया था, और कॉल्टर और ओवरटन जो थे उन्होंने भी अपना अपना बताया था लिपिड के बाईलेयर के बारे में। बट जो सिंगर और निकोलसन का मॉडल है, जो उन्होंने 1972 में दिया, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो लेट्स सी। तो सिंगर और निकोलसन हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1972 में एक मॉडल दिया जिसको बोला गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लिपिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। तो लिपिड का मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ये होती है, इसके अंदर एक हेड होता है, दिस इज़ द हेड रीजन एंड दिस इज़ द टेल रीजन। ओके, तो ये टोटली एक क्या है, लिपिड की स्ट्रक्चर है, लिपिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। ठीक, तो लिपिड मॉलिक्यूल में जो इसका हेड होता है, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो हाइड्रोफिलिक इन नेचर मतलब क्या हुआ कि हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिंग मीन्स क्या होता है, फिलिक मीन्स होता है कि उसको लविंग। ठीक है, तो वाटर लविंग जो इसका हेड होता है, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग। ओके, अब बात आती है टेल की। जो टेल होती है, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, इट मीन्स इट विल नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड द वाटर। तो इसको हमने बोला हाइड्रोफोबिक। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीफैटिक। क्या बोलते हैं? एम्फीफैटिक। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू दिस, लिपिड्स आर एम्फीफैटिक इन नेचर। लिपिड जो होते हैं हमारे, वो एम्फीफैटिक होते हैं नेचर में। क्लियर हुआ? अब सेकंड मैंने आपसे बताया था लिपिड, तो पता चल गया आपको। अब उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है? तो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारी प्रोटीन होती हैं, वो भी टू टाइप्स की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी प्रोटीन होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको पेरिफेरल प्रोटीन भी बोला जाता है। दूसरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो होता क्या है, जब लिपिड की बाई लेयर होती है, तो एक प्रोटीन ऐसी होती है जो उसके अंदर एम्बेडेड होती है। ठीक है, तो अंदर जो होगी, इन इन जो होगी, वो कौन सी प्रोटीन होगी? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगी, वो होगी आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन सॉरी। तो ये क्या होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट रहती है। तो मैंने आपको बताया, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। सम एडिशनल उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर, प्रोटीन्स, वाटर कंटेंट भी मिलता है। ठीक, इसका सही सीक्वेंस मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऊपर होगा प्रोटीन, फिर लिपिड की लेयर होगी, और उसके बाद प्रोटीन होगा। प्रोटीन का जो टाइप्स होते हैं, वो टू होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इनको इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन भी बोला जाता है। लिपिड के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो लिपिड मैंने आपको बताया था, लिपिड के अंदर दो पार्ट होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल का, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड जो होता है लिपिड का, वो हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो फिलिक होगी, वो अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड द वॉटर, और जहाँ पर फोबिक होगा, दैट विल नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द वाटर।
जब ये दोनों नेचर एक मॉलिक्यूल के अंदर मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्फीफेटिक इन नेचर। ओके, अब इसके बाद आता है कि अभी हमने टू टाइप्स की प्रोटीन की स्टडी करी, ठीक। तो ये दोनों प्रोटीन जो होती हैं वो इंटरचेंजेबल होती हैं, कि जब इनको रिक्वायरमेंट होगी, जब भी हमारी सेल को रिक्वायरमेंट होगी, तो जो हमारी एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है वो हमारी इंट्रेंसिक प्रोटीन में चेंज हो जाएगी, और जो इंट्रेंसिक प्रोटीन है वो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये चेंज क्यों हो जाती हैं? ये इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसका जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, ठीक है। क्वासी फ्लूइड नेचर होगा हमारे लिपिड्स का, इसीलिए ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में चेंज हो जाती हैं जब इनको रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी हमारा सब्सटेंस जो है वो हमें थोड़ा पार्शली वो फ्लूइड हो और पार्शली क्या हो, सॉलिड हो। यानी कि जैसे हम जेली खाते हैं, जेली हमें कैसी दिखती है? अगर हम उसको अपीयरेंस देखें तो वो जेली हमें सॉलिड सी लगती है, लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो थोड़ा फ्लूइड है ना, लाइक स्ट्रक्चर होती है, इलास्टिक सी स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। इसी क्लास क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से हमारी जो दोनों प्रोटीन्स हैं वो चेंजेबल हैं, इंटरचेंज कर सकती हैं। ओके, अब इस क्वासी फ्लूइड नेचर के या इस फ्लूइड नेचर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो हम देखेंगे। तो बेनिफिट ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले ग्रोथ। अगर किसी के अंदर रिजिडिटी है तो वो ग्रोथ कैसे करेगी? उसका बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इलास्टिसिटी है तो वो थोड़ी सी ग्रोथ कर जाएगी। सेकेंड होता है इसका बेनिफिट कि इंटरसेलुलर जंक्शन मिल जाता है इसको। तीसरा होता है हेल्प इन सेल डिवीजन। फोर्थ इज सिक्रीशन एंड फिफ्थ इज एंडोसाइटोसिस। अब सेल किसी भी मटेरियल को क्या कर रही है? एब्जॉर्व कर रही है, तो उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक। ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ठीक। इसका जो नेचर होता है फ्लूड वो ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो इसके हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सेल। अब रिकॉग्निशन ऑफ सेल क्या है? देखो बेटा, हमारी बॉडी की जो एक जैसी सेल हैं, ठीक है, सभी सेल अलग अलग होती हैं, लेकिन जब एक सेल दूसरी सेल को कैसे पहचानती है, कैसे पहचानती है, तो यही इससे इसके नेचर से, और यही जो इसका नेचर है, ठीक है, इसी से सेल क्या करेगी, पहचानेगी कि ये सेल हमारी ही कैटेगरी की है या अदर कैटेगरी की है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प इन ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करेगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करेगी, एंड इम्यूनिटी में ये हेल्प करता है, इसका जो नेचर होता है फ्लूइड नेचर। ओके, तो बेटा सबसे पहले जो स्टडी हुई थी सेल मेम्ब्रेन की वो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीसी पे हुई थी। जो इरिथ्रोसाइट दिया हुआ है ना आपके एनसीईआरटी में, एक्चुअल में वो आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी की केमिकल कॉम्पोजिशन पे सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करी थी। उसके अंदर हमने देखा कि जो प्रोटीन्स और लिपिड का जो कंटेंट है, जो उनका परसेंटेज है, वो हमारा रहता है कि प्रोटीन 52% है एंड लिपिड्स जो होते हैं वो 40% है। तो ये तो टोटली आपका हुआ एनसीईआरटी का डेटा। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक साइंटिस्ट थे ओवरटन, ओवरटन ने ये बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आए क्वार्टर, क्वार्टर ने बताया कि लिपिड की बाई लेयर होती है, इनके लिपिड की टू लेयर होती हैं, ठीक, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। थर्ड हमारे आए रॉबर्टसन, तो रॉबर्टसन ने हमारा ट्राइलेमिनार मॉडल दिया, या उन्होंने बोला कि एक यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट हमारे आते हैं डेविड डेनियल और डावसन मॉडल, तो इन्होंने हमें दिया सैंडविच मॉडल। सो दीज आर द एडिशनल पॉइंट, ठीक है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके बेटा, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।